नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के नतीजे आ गए हैं। वैसे तो चुनाव में पार्टियां अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर इन चुनावों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। 3050 सीटों वाले जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों से बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे चिंता की बात यह हो सकती है कि पार्टी के समर्थित उम्मीदवार न सिर्फ पश्चिमी यूपी, जहां किसान आंदोलन का असर है, वहां पर बड़े पैमाने पर हारे हैं, बल्कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर जैसी जगहों पर समाजवादी पार्टी या बीएसपी समर्थित उम्मीदवारों से झटका लगा है। ऐसे में क्या इसे सिर्फ लोकल चुनाव मान के नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या यह कोरोना और किसान आंदोलन जैसे मुद्दों का असर है? और क्या 2022 में जब यूपी के चुनाव होंगे तो पंचायत चुनावों को कोई संकेत माना जा सकता है? तो आज का दंगल है पंचायत में झांकी, 2022 का यूपी चुनाव बाकी। बहस शुरू करें, उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के हाल ने जहां यूपी की योगी सरकार की नींद उड़ा रखी है, तो इसी बीच आए पंचायत चुनाव के नतीजों में भी बीजेपी को झटका मिल गया है। 4 साल बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने राजनीतिक तौर पर बढ़त मिली है। 3050 पंचायत सदस्यों में से समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की 747 जिला पंचायत सीटों पर जीत हुई है, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार 690 जिला पंचायत सीटों पर जीत सके हैं। बीएसपी समर्थित उम्मीदवार की जीत 381 सीटों पर हुई, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के खाते में 76 जिला पंचायत सीटें आई है। सबसे ज्यादा निर्दलीयों और अन्य की जीत हुई है, जो 1156 सीटों पर जीत गए। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उसे अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और पश्चिमी यूपी के जिलों में तगड़ा झटका लगा है। अयोध्या में 40 जिला पंचायत सीटों में से 24 पर समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीत गए और बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई। अयोध्या में कई बीजेपी नेताओं ने अंदरूनी कलह के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और एसपी समर्थित उम्मीदवारों के पास 14 सीटें गई। नतीजों से समाजवादी पार्टी उत्साहित है और अखिलेश यहां तक कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार की पोल खुल गई। उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बनारस में, प्रयागराज में, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है और गोरखपुर, जो योगी जी का गढ़ माना जाता है, वहां पे नाक को दम कर रखी है। पंचायती चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यूपी पंचायत चुनाव के नतीजों को कई तरह से देखा जा रहा है। इसमें कोरोना के हालात से लेकर पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के असर से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि बीजेपी इन चुनावों को स्थानीय निकाय चुनाव कह के ये बताने की कोशिश कर रही है कि नतीजों को राज्य के चुनावी माहौल से नहीं जोड़ सकते। चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती रहती है और हम आगे स्कोर चिंता करेंगे, परंतु ये क्षेत्रीय चुनाव है, वहाँ पर लोकल लेवल पे पंचायत में कई फैक्टर्स काउंट करते हैं, उसकी चिंता यूपी की सरकार और हमारी जो यूपी की पार्टी करेगी। 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव और भले कुछ संकेत ना देते हों, तो भी बीजेपी विरोधियों का उत्साह तो बढ़ ही गया। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।